आज हर लड़की का एक सपना होता है कि उसकी शादी बहुत अच्छी जगह पे हो, बहुत अच्छा दूल्हा मिले। लेकिन वही लड़की जब एक बार आधी रात में बैठती है तो एक ख्याल ये भी आता है जो मैं आपको बताऊं। एक शादी के बाद लड़की के जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। अपने माँ बाप से पहले किसी और के माँ बाप को तवज्जो देना होता है, अपना रूम बदल जाता है, हर कुछ बदल जाता है। तो आइए सुनिए वो लड़की क्या कहती है। नहीं करनी है मुझे शादी, क्यों खो दूं मैं अपने ढंग से रहने की आजादी। नहीं करनी है मुझे शादी, क्यों खो दूं मैं अपने ढंग से रहने की आजादी। जब सारी चीजें सिखाई तुमने माँ, जब सारी चीजें सिखाई तुमने, खर्चे तुमने, मुझे काबिल बनाया तुमने, तो क्यों ना मेरी काबिलियत की सफलता का फल भी रखा तुमने। क्यों मैं लड़की हूँ तो मेरा घर बदल दिया, मेरा कमरा बदल दिया, माँ बाप और भाई भी किसी और को बना दिया। मुझे खुद से दूर ना करना, मेरी कभी शादी ना करना। बारात उनकी होगी, बारात उनकी होगी, नखरे उनके होंगे, प्लेट में चार ही आइटम क्यों, और हम सबकी हैसियत जज करते वो लड़के वाले होंगे, और हम सबकी हैसियत जज करते वो लड़के वाले होंगे। नफरत है हमें शादी से, नफरत है हमें इस शादी से। हमारी मासियों को हमसे दूर किया, हमारी बहना हमसे ले जाएगा, वो दिन बहुत धूमधाम का होगा। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ी इशू है हमारे कंट्री में, वो दिन बहुत धूमधाम का होगा, उसके बाद की कहानी कोई ना बताएगा। कोई त्योहार, कोई तीज, घर आने के लिए क्यों लेनी पड़ेगी किसी की इजाजत, क्यों डालनी पड़ेगी किसी को बताने की आदत। तुम सिखाओगे मुझे पता है, तुम सिखाओगे मुझे पता है। कोई नीम भी बोले तो तुम शहद ही बोलना, कोई नीम भी बोले तो तुम शहद ही बोलना, दो बात कोई कह भी दे तो इससे की लाज रखना। क्यों लिखूं मैं ऐसी कहानी, क्यों लिखूं मैं ऐसी कहानी जिसमें कैद हो जाएगी मेरी जुबान। मैं रांची से हूँ, हमारे यहाँ छठ बहुत मशहूर है। जब तुम छठ में व्रत करती हो, जब तुम छठ में व्रत करती हो, हिम्मत हम भाई बहनों से ही मिलता है ना, फिर आना मुश्किल होगा, तब तुमसे छठ कैसे होगा। बचपन में जब टाके पड़े थे पापा, बचपन में जब टाके पड़े थे पापा, आपने हाथ पकड़ा था, अब जब आपका बचपन लौट आएगा तो तुम्हारा हाथ पकड़ने दो ना, खुद से दूर। जो भी धर्म कर्म रहने का सलीका तुम लोगों से सीखा है, जो भी धर्म कर्म रहने का सलीका तुम लोगों से सीखा है, हर भरे पन्ने को फिर से कोरा कागज कैसे बना दूं, हर भरे पन्ने को फिर से कोरा कागज कैसे बना दूं मैं, बताना शादी कैसे करूं। वो दौर जो शुरू हो जाएगा, उनकी फैमिली उनका तीज सबसे आगे हो जाएगा, तुम लोगों के पास भाग आने का मन करेगा, पर पैरों में शादी का सिक्कर बन जाएगा। रोनी मौसी को रोन, गुंजा दीदी को गंजेड़ी, भैया राहुल को राहुल कुमार, नानी मीरा को मीरा देवी, बबलू मामा को अजीत कह के बुलाया है। इन सब हरकतों पर अब संस्कार के नाम का अंकुश और बहू के नाम का बुरस आया है। मेरी हर आदत से आपकी परवरिश को तोला जाएगा, मेरी हर आदत से आपकी परवरिश को तोला जाएगा, क्या करूंगी मैं जब इन बातों से मेरा मन खोला जाएगा। जब लड़के वाले हमें देखने आएंगे, चलकर दिखाओ, बैठकर दिखाओ, 100 नखरे दिखाएंगे, फिर भी बता रहे हैं, फिर भी बता रहे हैं हम उन्हें पसंद ना आएंगे, आईएएस भी बन जाए, रंग सांवला है कह के 4 लाख दहेज और मंगाएंगे। जो बेबाक बेधड़क, जो जिद्दी यशी तुम लोगों ने बनाया है, जो बेबाक बेधड़क, जो जिद्दी यशी तुम लोगों ने बनाया है, किसी और के घर पे कैसे देख पाओगे, बताना अपने दिल के टुकड़े को कैसे विदा कर पाओगे। बिटिया मेरी नहीं किसी और की हो, ये कैसे कह पाओगे।